आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के महाराणा प्रताप नगर स्थित परिसर में शिक्षा विभाग की 5 दिवसीय 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 19 सितंबर तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के महाराणा प्रताप नगर स्थित परिसर में 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रुप डी मदेन की अध्यक्ष अलका भाटिनी की शिरकत। शिक्षा विभाग की 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता 2024 का आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल में हो रहा है आयोजन। 14 वर्ष आयु वर्ग, 17 वर्ष आयु वर्ग, 19 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 20 टीमें ले रही है भाग। सूफी इंटरनेशनल के तत्वावधान में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। धूमधाम के साथ 2.5 दिन के झोपड़े से शुरू हुआ जुलूस, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में पिछले एक माह से फरार चल रहे आरोपी को अहमदाबाद से किया गिरफ्तार। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था आरोपी, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से चल रहा था फरार। किशनगढ़ की सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय के अधीनस्थ क्षेत्र में इस साल मानसून ने किसानों की उम्मीदों को दिया झटका। तेज बारिश के कारण खेतों में पानी भर जाने से खरीफ की 40% फसल हुई खराब। अजमेर की महिला डॉक्टर से कानपुर में रेप का मामला आया सामने। पीड़िता ने अपने मां के लड़के पर जमीन दिलवाने के बहाने गांव बुलाकर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का लगाया आरोप। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित किए गए सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 में पास व फेल हुए विद्यार्थी 10वीं व 12वीं मुख्य परीक्षा के लिए कर सकते हैं आवेदन। सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 17 सितंबर, अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ 25 सितंबर है अंतिम तारीख। जहाजपुर में बेवाण पर पत्थरबाजी की घटना का विरोध। विजयनगर सर्व हिंदू समाज का आज विजयनगर बंद का आह्वान। 12 वफात के अवसर पर आज निकलने वाला जुलूस इस बार नहीं निकलेंगे। मुस्लिम समाज आपसी भाईचारे का देंगे संदेश। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी। अंतिम तिथि गुरुवार 19 सितंबर तक। योजना में 60 साल से ज्यादा के लोग धार्मिक यात्रा, हवाई जहाज विद रेल के लिए कर सकते हैं आवेदन।